देखिए अभी हम आए हैं वहाँ बंदर को फुर्सतगंज में दफनाए, यहाँ भोज करने के लिए हम आए हैं। ये राम सिंह जी की धर्म पत्नी है, शेरू सिंह की मम्मी, इतनी इनके अंदर भावना है, ये हमको भगवान के जैसा मानती हैं। इनका यही कहना है कि महाराज आपके चरणों से हमारे घर में सब कुछ हो गया, तो ये इनको विश्वास है। अब चूंकि गांव घर का मामला है, इनके दिमाग में टोना टटका टंबर, तो मैंने इनको उपाय बता दिया है। हमने कहा एक चीज़ हम भी लाके देंगे, हम देते नहीं किसी को, लेकिन कोई बहुत खास है अगर इतना मानते हैं। देखिए पैर पकड़े बैठे, पैर पकड़ के, ये कि नहीं है स्वामी जी वह हमका बैठे दे, हमका बड़ा हमका हम नहीं हम समझे थे कि भगवान के लगे बैठे हैं, ये इनकी भावना है। तो हमने कहा हम देते तो नहीं, लेकिन इनके लिए हम कुछ करेंगे। जो हम हिमालय से हमको जानकारी मिली थी वो लाल कपड़े में बना के इनको दे देंगे। कोई भी तांत्रिक आंतरिक मांत्रिक कुछ भी कहीं शंका हो, आप उसको उसी जो मैं बना के दूंगा उसमें आप छुआ दीजिएगा, और घर में कहीं अच्छे जगह पर उसको रखिएगा, और हर शनिवार को उसमें कुछ आटा रोटी छुआ के या कोई खाने पीने की चीज छुआ के आप बच्चों को बांट दीजिए, बंदर को दे दीजिएगा हर शनिवार को। नागा ना हो, अगर किसी चांस में बाई चांस नागा हो जाए आप इतवार को कीजिएगा, क्यों गांव देहात के लोग हैं, इन लोगों को टोना टोटका और दुआ ताबीज में ज्यादा विश्वास है, वो भी हमको आता है, हमें सब मालूम है, क्योंकि जीवन में हमने कभी कमाने के लिए सोचा नहीं। अब मैं ये कहता हूँ दुआ ताबीज बनाने वाले अगर एक पैसा लेते हैं तो समझो कि उसके दुआ ताबीज से सिवाय बर्बादी सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अब आप इधर इनको दिखाइए, हम इनके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। आपको कुछ भी कोई हम उसको दसियों लाख रुपए देंगे घर द्वार बेच के, जो टोना चटका आपके ऊपर कोई माइका लाल हो चला के दिखा दे, ठीक। जय श्री जी राम, जय बजरंग बली। हम हूँ आज अगर मोड़ है तो रुक जाए, नहीं कि आगे निकल जाओ, अगर कहीं मान लो आगे मान लो निकल गए, अब यहाँ हम आगे देखते तो कहाँ ढूंढो, खुद धीरे धीरे चलो, गाड़ी बंद न कर, चलो धीरे धीरे आगे आगे चलो, ठीक है धीरे धीरे एकदम से न निकल जाओ, आगे बांदर हैं। आगे आगे चाहे कहें, अच्छा चलो दादे से बताओ, अरे वाह यार, ये तो बच्चों ने तो बड़ा कमाल किया, छोटा पीछा है, अच्छा जो करो गाड़ी तो करो।